भारतीय जनता पार्टी और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष 2018 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन सोमवार को गोरखपुर क्लब सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि संभागीय परिवहन अधिकारी डी.डी. मिश्रा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एस आर पाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम संदीप कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय संदीप कुमार जायसवाल, नगर निगम के उप सभापति जितेंद्र सैनी, भाजपा नेता श्रवण पटेल सहित भाजपा के कई नेता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके निस्तारण पर चर्चा की गई। अभी कोई फर्जी फटाका लोग कर रहे हैं उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कराया जाए। और कोई बात अगर कहना चाहेंगे तो हम लोग स्व सम्मान सुनेंगे, कोई भी बात बोल सकते। प्रशांत गौड़, मैं संबंधित मंच यहाँ आए हुए समस्त मेरे बंधु भाजपा कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न लोगों से आए हुए लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन का। सर, मेरा कोई एक क्वेश्चन तक प्राइवेट स्कूलें जितनी या सरकारी उसमें जो भी बच्चा पढ़ता है हमारे हिसाब से 18 साल से कम उम्र का ही होगा, इंटर तक का है स्कूल और 18 साल से कम उम्र का ही होगा जो भी बच्चा, और अधिकतर लोग अपना बाइक लेकर के स्कूलों में जाते हैं, तो ये कैसे पास हुआ? आरटीओ क्या जवाब दे सकती है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं? आज से 4 दिन पहले माननीय गडकरी जी से एक नौजवान ने पूछा और कहा कि जो नाबालिग बच्चे गाड़ियां चलाते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की जगह पर उनके गार्जियंस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता जो गाड़ी चलाने देते हैं। गडकरी जी ने इस बात को सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया कि विभाग 30% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी बनाता है, उन्होंने इस कोटे को यूज किया है 30%। मैं मंत्री के हवाले से ये बात कह रहा हूँ। तो पहला उनका कहना था कि ये फर्जी बनते हैं 30% लाइसेंस, ऐसे बच्चे हो सकता है कि विभाग में जाते ही ना हो, घर बैठे बैठे उनके लाइसेंस बन जाते हैं। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं जब विधायक नहीं था, दूंगा तो आप लोग हंसिएगा, मैंने एक बार अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रयास किया, एक हफ्ते तक नहीं बना। फिर वो जो राजेश पाड़े है ना, समझ रहे हैं, वो हमारे घर बैठा तक का दीजिए भी बनवा के लाते हैं, गया तो घंटे में बनवा के ले आते। तो फर्जी लाइसेंस कैसे बनते हैं मैं इसका स्वयं अनुभव करता हूँ। इसलिए माननीय गडकरी जी ने यह तय किया है कि धीमे धीमे देश की संपूर्ण लाइसेंस व्यवस्था को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। हो गया, अब किसी व्यक्ति को यह अधिकार रही नहीं गया है कि वो लाइसेंस बना सके, यह काम कंप्यूटर से होता है। नंबर दो, उन्होंने ये कहा कि बच्चों के अपराध की सजा अगर गार्जियंस को दी जाएगी तो यह कुछ ज्यादा हो जाएगा, हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम जन भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। पेनाल्टी की मात्रा, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि 200 रुपए की पेनाल्टी तो कोई भी आदमी करता था 200 रुपए जा अपने घरे। तो उन्होंने कहा कि हम पेनाल्टी की मात्रा को भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो डिटरेंट हो, अवरोधक का काम करे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि 3 बार के अपराध के बाद हम 6 महीने या 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को भी खत्म करने का प्राविधान करेंगे। तो ये कंप्यूटरीकृत हो गई है, इसमें आपको ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ता है, आप अपने खुद के मोबाइल से, खुद के कंप्यूटर सिस्टम से, या जिसके पास नहीं उपलब्ध है वो साइबर कैफे में जाके आप अपना एप्लीकेशन अपलोड कराएं, वहीं पर आपको फीस पे करना है। फीस पे करने से संबंधित कोई भी प्रोविजन कार्यालय में नहीं है, मीन्स कार्यालय में आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि आपका पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है वहीं पे और आपका एप्लीकेशन कंप्यूटराइज ऑनलाइन वहीं पर भर जाता है। उन दोनों का प्रिंट लेके जैसे पासपोर्ट में आपको डेट और टाइम स्लॉट मिलता है, वैसे ही आपको लाइसेंस के लिए भी डेट मिलेगी और टाइम स्लॉट कंप्यूटर खुद देगा।
मिलेगा, आप उस उक्त डेट और टाइम स्लॉट पर कार्यालय पहुंच जाइए, लेके वहां पर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, फिर उसके बाद आपका लाइसेंस निर्गत होकर आपके दिए हुए पते पर बाई पोस्ट पहुंच जाएगा। तो सर इसमें बिना अनुपस्थित हुए किसी का लाइसेंस बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नए व्यवस्था में बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया है सर, बिना बायोमेट्रिक के लाइसेंस चले। सर ये सौभाग्य का विषय है कि परिवहन विभाग के इतने सारे अधिकारियों के बीच में के साथ हूँ, आप हम लोग के सामने। पहले भी डॉक्टर मैं बोलता रहा हूँ कि इस तरह के संगोष्ठियों का कोई मतलब तब तक नहीं बनता है जब तक कि इन संगोष्ठियों में किन मुद्दों पर विचार हुआ और उन मुद्दों पे कोई प्रस्तावना विभाग प्रस्तावना बनाकर आयोजक इसको शासन प्रशासन को न भेजे और इसका फॉलो अप न चेक किया जाए अगली एक संगोष्ठी में, तब तक इन संगोष्ठियों को कोई मतलब नहीं होता है। और ये लगातार 10 साल से मैं बोल रहा हूँ लेकिन आज तक किस तरह की मतलब विषय की बात है। अभी सर जैसे कि पिछली एक कार्यशाला आयोजित हुई थी उसमें एक बात हुई थी कि जो व्हीकल्स की संख्या है, परिवहन यानों की संख्या है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे प्राइवेट है, उनमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है और यह भी एक चिंता का विषय है। गंभीर ट्रैफिक समस्याएं इस शहर में उत्पन्न होने वाली है। सर पिछले 10 वर्षों से हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि ऑटो के मनमाना रजिस्ट्रेशन पे रोक लगे, विरोधी सरकारें हम लोग की बात नहीं सुन रही थी, अपनी सरकार आई, सुनवाई हुई, ऑटो के रजिस्ट्रेशन पे फिलहाल रोक लग गया। लेकिन सर रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा तो उसका एक गलत मतलब निकाल के जो लोग पहले से ऑटो यहाँ पे लिए हुए गोरखपुर महानगर में उनके परमिट रिन्यूअल पे भी रोक लगा दी गई। और पिछले एक जी ने यहाँ तक कहा था राज्य सरकारों से कि 1 रुपए की लीज पर ये 5 एकड़ जमीनें दे दी जाए तो विभाग उसके लिए बजट की व्यवस्था करेगा, सरकारों को बजट नहीं देना है, बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा, जो भारत सरकार में कोई परिवहन विभाग अलग से नहीं होता, दोनों मिले हुए होते हैं। स्नाते गोरखपुर में चरगावा में एक परिवहन विद्यालय ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय खुल रहा है, 4-5 महीने में वो शुरू हो जाएगा और मैं चाहूंगा अधिकारियों से कि इसको मजबूती से साथ लागू किया जाए। जी के द्विवेदी जी एक जिम्मेदार नेता है अपने संगठन के और ये स्वयं चाहते हैं कि बहुत कड़ाई के साथ ये नियम पालन हो, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस विद्यालय के शुरू होने के बाद ड्राइवरों पर एक कड़ाई के साथ लागू कर दिया जाए। इसकी शुरुआत गोरख ऑटो एसोसिएशन से कीजिए क्योंकि एक एसोसिएशन है जो खोल के इस मुद्दे पर आपके साथ है। दूसरा विषय जो आपने उठाया है वो यहाँ का विषय नहीं, आप लोगों की सारी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, अगर इस समय कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये आपकी कमी है कि आप मुझे इधर बताना बंद कर दिए, घर पे आइए सारी बातें बताइए, बैठ करके सारी चीजों को विचार किया जाएगा। अक्सर ये होता है कि जो लोग शहरों में गाड़ियां चला रहे होते हैं वो चाहते हैं कि अब बाहर से गाड़ियां ना आए, और ये भी होता है कि जो आप शहरों पर गाड़ियां चला रहे हैं तो उन्हीं में से एक वर्ग चाहता है कि जो शहर के बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको बाहर कर दिया।